फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉस्फेट के बारे में। मॉस्फेट कैसे काम करता है, इसके सर्किट के डिज़ाइनिंग को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो इस डायग्राम में कि इसमें तीन लेग्स होते हैं इसके, जो कि पहला गेट होता है, दूसरा ड्रेन और तीसरा सोर्स होता है। मॉस्फेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो फ्रेंड्स, आप लोग के मन में सवाल आता होगा कि मॉस्फेट करता क्या है, यह सर्किट में कैसे काम करता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि फ्रेंड, मॉस्फेट जो काम करता है सर्किट में, यह एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है। जहाँ ट्रांजिस्टर करंट को कंट्रोल करता है, ये वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए सर्किट में यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं कि मॉस्फेट कैसे काम करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मॉस्फेट दो टाइप के होते हैं, एक एन चैनल और दूसरा है पी चैनल। ये है एन चैनल की बनावट और ये है पी चैनल की बनावट। तो चलिए अब हम इसे सर्किट से समझते हैं, सर्किट में देखते हैं कि ये सर्किट में कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एन चैनल के सर्किट को। यहाँ हमने लिया है एन चैनल मॉस्फेट। अब इसमें क्या होगा, हमने एक ग्राउंड से सोर्स में अटैच किया है एक सेल, और एक दो सेल अटैच किया है ड्रेन से सोर्स में, यानी कि सोर्स में जो दोनों सेल का, तीनों सेल का कॉमन जो वायर होता है माइनस कॉमन कर दिया है। अब यहाँ से आप देखिए इस सर्किट में क्या होगा, इस सर्किट में यहाँ से वोल्टेज फ्लो होगा, और वोल्टेज जैसे क्रॉस यहाँ से इस डायोड से यहाँ क्रॉस करना चाहेगा, ये यहाँ से वोल्टेज पास नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ से ये रिवर्स्ड बायस में हो जाएगा। तो इसको पास करने के लिए हमने दूसरा जो सेल लगाया है गेट से, वहाँ से हमको इसको ऑन करना पड़ेगा, तब जाके ये मॉस्फेट ऑन होगा और वोल्टेज पास ड्रेन से सोर्स में पास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं पी चैनल सर्किट को। पी चैनल सर्किट में क्या होगा, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ उस एन चैनल वाले से जस्ट अपोजिट है, यानी कि उल्टा है। इसमें हमने इसके ड्रेन में बैटरी का नेगेटिव साइड अटैच किया है, और इसके गेट में भी बैटरी का नेगेटिव साइड है। अब इसमें जो कॉमन है बैटरी का पॉजिटिव साइड, जो सोर्स में अटैच हुआ हुआ है। इस सर्किट में क्या होगा, इस सर्किट में जो पॉजिटिव जो बैटरी का टर्मिनल है, यहाँ से क्रॉस करके सोर्स से ड्रेन में पहुंचना चाहेगा, लेकिन क्रॉस नहीं कर सकता है जब तक कि हम इसमें गेट में हम नेगेटिव करंट, नेगेटिव वोल्टेज नहीं दे देते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मॉस्फेट को यूज़ में हम लोग कहाँ पर ले सकते हैं। मान लेते हैं हम कि हमारे पास 12 वोल्ट का मोटर है, जिसे हमें आर्डुइनो से कंट्रोल करना है, यानी आर्डुइनो से चलाना है। तो हम इसे कैसे कंट्रोल करें, तो फ्रेंड्स, इस सर्किट में मैंने यूज़ किया है एन चैनल मॉस्फेट और एक 12 वोल्ट का मोटर, जो कि आर्डुइनो से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब चलिए इसके सर्किट को देखते हैं कि हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ड्रेन से सोर्स में वोल्टेज जो है फ्लो तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि हम गेट में इसमें वोल्टेज फ्लो नहीं कर देते हैं, तब तक हमारा मोटर ऑन नहीं होगा। तो हम आर्डुइनो के लिए कुछ प्रोग्राम लिखेंगे, आप वो अपने अकॉर्डिंग खुद से लिख सकते हैं या नेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब वो प्रोग्राम आर्डुइनो में अपलोड करके आप इस मोटर को खुद से भी चला सकते हैं। कैसे चलेगा, ड्रेन से ये बैटरी प्लस वोल्टेज निकलेगा, मोटर तक पहुंच नहीं सकेगा जब तक कि हम यहाँ डिजिटल पिन 13 से ग्राउंड में कोई इनपुट नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके वहाँ से पर्सनल मैसेज करके भी आप मुझे पूछ सकते हैं।